बहुत ही छोटा बच्चा है और गाइस इसको उल्टी टोपी वाले राजा यूट्यूब की पब्लिक टी शर्ट फाड़ के स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में और ये चैनल आप सभी का। तो गाइस यार मैंने एक बजीज का बच्चा लिया है छोटा सा, आपको दिखाता हूँ और साथ में भाई को इंस्टा पे फॉलो कर लेना उल्टी टोपी वाला। तो गाइस यार आपको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको आपसे डेली व्लॉग मिलेगा देखने को और उसको अपन फ्री फ्लाई ट्रेनिंग भी देंगे। तो चलिए अभी आपको मैं दिखाता हूँ छोटा सा गाइस बच्चा। गाइज ये देख सकते हो एकदम छोटा सा बच्चा है इस, ये देखिए गाइज बहुत ही छोटा बच्चा है और गाइज इसको अपन क्या फ्री फ्लाई ट्रेनिंग देंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए अभी इसको अपन फीड कराते हैं, कैसे फीड कराते हैं छोटे बच्चे को वो भी आज आपको बताऊंगा। तो चलिए तो गाइज आपको बता दूँ जैसे कि आप अगर बच्चे को फीड करवाते हैं तो गाइज आपको एक सिरिंज लेनी है और साथ में एक कटोरी में आपको पानी लेना है सिरिंज के जितना ही, और एक साथ में आप बिस्किट ले सकते हैं मेरी गोल्ड का जो बिस्किट आता है वो आप ले लीजिए और फिर उससे अपन फीड कराएंगे। तो चलिए ये रहा हमारा प्यारा सा छोटा सा बेबी बजीज का। तो चलिए अभी इसको अपन फीड कराते हैं कैसे। तो गाइज यार मैं जो कि बजीज के बच्चे को बिस्किट करवा रहा हूँ फीड के अंदर जो कि मेरी गोल्ड का है, और फीके बिस्किट होते हैं, मीठा बिस्किट आपको कभी भी नहीं लेना है नहीं तो वजीज के जो कि पंख है उड़ने लग जाएंगे। और ये सैंकिन का बॉल लिया है मैंने जो कि सिरिंज के आगे लगाया है और आपको ऑनलाइन भी गाइज जो कि बजीज पैरट की फीड आपको मिल जाएगी, लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप जाकर ले सकते हैं। और साथ में आपको मैं बता दूं जो कि मैंने बिस्किट का एकदम पाउडर कर लिया है, अब इसको जो कि मैं उंगली से पूरा अच्छे से मिला लूँगा। तो गाइज इसको मिलाने के बाद में ये पूरा पेस्ट है जो कि तैयार हो चुका है बजीज के लिए। और गाइज आपको मैं बता दूं जो कि अच्छे से इसको मिला लेना है और गाइज जो कि एकदम पूरा घुल जाना चाहिए बिस्किट अच्छे से। तो गाइज ये पूरा एकदम घुल कर तैयार हो गया है, थोड़ा थोड़ा पतला है तो गाइज इसको थोड़ा गाढ़ा करना ज़रूरी है, अच्छे से इसको मिला लेते हैं और फिर गाइज बजीज को अपन खिलाएँगे। तो गाइज बजीज की जो कि फीड है जो कि अच्छे से तैयार हो चुकी है, अब इसे मैं लेता हूं और इसे अब मैं फीड कराऊंगा। और चम्मच से भी आप करा सकते हैं, चम्मच से बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपको भी अगर बजीज का बच्चा मिलता है तो गाइज आप उसे चम्मच से भी फीड है जो कि करा सकते हैं बहुत ही आसानी से, जो कि बजीज का बच्चा है जो कि खा लेता है, ये देख सकते हो आप। तो गाइज यार इसको चम्मच से अपन फीड कराने के बाद में अब आपको मैं सिरिंज से फीड करा के दिखाता हूँ। और इसको मैंने पहले थोड़ा खिला दिया था क्योंकि गाइज आपको मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप अपने जो कि बजीज के बच्चे को आप फीड करा सकते हैं। आपके पास अगर कॉकटेल का बच्चा है तो गाइज उसे भी आप चम्मच से आराम से फीड करा सकते हैं, पैरेट का बच्चा है तो उसे भी आराम से करा सकते हैं, और जो उड़ने वाली गोरैया है गाइज उसे भी आप चम्मच से आसानी से फीड करा सकते हैं। हाँ अगर छोटा होता है तब गाइज आप सिरिंज का यूज़ ले सकते हैं, उसी से ही फिर फीड करानी पड़ेगी। अभी आपको मैं सिरिंज से भी बताऊँगा किस तरीके से आप है जो कि फीड करवा सकते हैं। तो अभी मैं सिरिंज के अंदर ले लेता हूँ और फिर आपको मैं फीड करा के दिखाता हूँ कैसे कराते हैं। तो गाइज यार ये बहुत ही ज़्यादा डर रहा है, जैसे ही मैं इसके हाथ लगा रहा हूँ तो ये गाइज देखिए आप कैसे ये जो कि कोने में जाके बैठ चुका है। गाइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है और इसको अभी उड़ना भी नहीं आता, तो अभी इसको मैं सिरिंज से फीड करवाता हूँ। तो गाइज आपको सिरिंज ले लेनी है और इसके मुँह के अंदर जो कि सिरिंज को लगा देनी है। ये गाइज आप देख सकते हैं जो कि साइकिल का बॉल है वो पाइप है जो कि इसके मुँह के अंदर मैं लगा रहा हूँ, और फिर हल्की सी ये देखिएगा इसके मुंह के अंदर डाल देनी है और फिर आपको पीछे से प्रेशर देना है और जो कि फीड है जो कि इसके पेट के अंदर चली जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है गाइस, ये आपको डेली करना है और धीरे 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 गाइस जो कि इस बजीज के बच्चे का डर भी ख़त्म हो जाएगा और सिरिंज से फीड मांगना स्टार्ट कर देगा। तो गाइस आपको यही पहला स्टेप करना है। गाइस अभी इसको मैं सिरिंज से फीड करा रहा हूँ, इसने कर लिया फीड और गाइस आपको इसका कोटा है जो कि दिखाता हूँ पूरा का पूरा भर चुका है, ये देखिए गाइस ये पूरा का पूरा इसका जो कोटा है मैं जहाँ पे उंगली लगा रहा हूँ वहाँ पे आप देखिए ये पूरा का पूरा गाइस कोटा है जो कि भर चुका है। और अभी इसको कल अपन फीड कराएंगे सुबह सुबह जल्दी उठकर, ये देखिए गाइस ये पूरा कोटा है जो कि इसका भर चुका है। और गाइस इसे जो कि आप कंगनी भी खिलाना चाहते हैं तो आप इस बड़े बच्चे को कंगनी भी खिला सकते हैं, आप इस साइज़ का अगर बच्चा लेते हैं।
तो गाइज यार वीडियो को लाइक भी कर देना, और साथ में आपको बता दूं जो कि आप कंगनी भी खिला सकते हैं इस साइज़ के बच्चे को, आराम से ये कंगनी भी खा लेगा। और गाइज अभी क्या है कि थोड़ा ये डर रहा है, सुस्त है, क्योंकि गाइज ये जो कि मैं जहाँ से लेकर आया था वहाँ पे इसकी माँ ने इसे आंडी से गिरा दिया था और इसे बहुत अच्छे से पीटा भी था। तो गाइज ये जो कि फीड है जो कि इसकी माँ ने नहीं कराया, और इसको इसलिए मैं लेकर आ चुका हूँ। और गाइज इसको फीड मैं ही कराऊंगा और इसको मैं फ्री फ्लाइट ट्रेनिंग भी दूंगा, इसे मैदान के अंदर उड़ाएंगे और ये वापस भी अपने पास आएगा। तो गाइज पहले इसका डर निकालना ज़रूरी है, इसका जैसे ही डर निकल जाएगा फिर गाइज काफ़ी ज़्यादा आपको भी मज़ा आएगा। तो गाइज ये देखिए कैसे बैठा चुपचाप, और इसका जो कि पेट है गाइज पूरा भर चुका है। तो अभी इसको गाइज अपन क्या है कि वापस डब्बे के अंदर रख देते हैं। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और साथ में मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना उल्टी टोपी वाला। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले व्लॉग में। जय हिंद।